सबके प्रति समर्पण की भावना सदा व्यवहार में आपने दिखाई है। काजला पीएससी पर काम करके एक्स्ट्रा जिम्मेदारी निभाई है। जीवन के इस सफर में आज रिटायरमेंट का दिन आया है। एक अच्छा वक्त बिताया है। जीवन के इस सफर में आज रिटायरमेंट का दिन आया है। सुदेश बहन जी को चुटकुले सुनाकर गुदगुदाया है। वैक्सीनेशन के बाद बीपी 190 से 120 आया है। जीवन के सफर में आज रिटायरमेंट का दिन आया है। आज रिटायरमेंट का दिन आया है। मैडम जी चलाती है। छुट्टी के बाद यूट्यूब चैनल को सहजता से चलाया है। पम्मीज लाइफ एंड पम्मीज गार्डन के 4000 लाइक आया है। जीवन के इस सफर में आज रिटायरमेंट का दिन आया है। आज रिटायरमेंट का दिन आया है। तो आप स्वस्थ रहे हमेशा। हमारी टीम की तरफ से, हमारे एसडीसी तालु पर डॉक्टर एसएमओ सुनील दादी की तरफ से, सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें। अब क्या होगा, आपकी ढेर सारी बधाई। अब नया ज्यादा काम होगा ना धाम होगा, नए कोई तनाव होगा, कोई ऑफिस ऑर्डर, नए कायाकल्प, नए एनक्वास, नए ही हर्बल गार्डन, बड़ा लगाव था, नए ही हर्बल गार्डन, नए ही वैक्सीनेशन।
फर्स्ट लाइफ के लिए आपके लिए दिल से आज बहुत मेरे लिए तो मतलब थोड़ा सा वो है कि खुशी का दिन तो है अभी शांति से मैं रिटायर हो रही हूँ मतलब बहुत खुशी का दिन है पर मतलब दिल में एक कहीं ना कहीं ये भी है कि मैं आज सबसे दूर हो रही हूँ दिल से भी दूर नहीं होना चाहिए इंसान और क्या है वो तो बड़ा ही है जो मैं बात की है लिखी रोज पाती कैसे बताओ किस किस तरह से मुझको रही तुम सताती तेरे ही सपने लेकर के सोया तेरी ही यादों में जागा तेरे ख्यालों में उलझा रहा मैं जैसे कि माला में भागा चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार एक लाइन उमा आपके लेना होगा जन्म हमें कई कई साल के लिए दुनिया में ट्रैवल करने आता है उसमें से आधा टाइम एक जगह पर बिता देना आधी जिंदगी यहाँ पर बिता देना है तो यहाँ की स्मृतियाँ आपके हृदय में प्रतिपल स्थापित रहेंगी आप यहाँ से चली भी जाएंगे और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आप लोगों के बीच में गाना गा के थैंक यू